इस तरफ विजिटर्स गैलरी होती है, अंदर पहुंचता है और फिर ये सब यहाँ पर होता है। एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट बालू जी प्लीज अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं, सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज़ अभी अवगत करा दूंगा, उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो, बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो, आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो, देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी, देखो एक मिनट, मैं आपको आपको बोलने का मौका दूंगा, एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा, वो वाला विषय नहीं है, ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए जब तक उस पर मेरी तरफ से सर बोलने, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वह दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, चेक अच्छा बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं, एक मिनट बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना, एक मिनट बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना, एक मिनट ये हाँ बताइए बताइए अधीरंजन, हाँ अधीरंजन जी बताइए एक मिनट, हाँ बताइए अधीरंजन जी सर, बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है, लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी, इसमें क्या साबित होते हैं कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के एक कहने में अच्छा लगता है कि ये दो शख्स को सर हमारे सारे एमपीस ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपीस ने निडर होकर हमारे सारे एमपीस ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके, ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन की हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं उनको सर खाली कर दिया। देखो इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है सर, वी शुड बी मोर कॉशियस दैट एट द एंट्री गेट हंड्रेड्स ऑफ पीपल वो गैदर ओवर देयर एंड वी द एमपीज व्हेन वी एंटर
it becomes a very difficult situation. Okay. And these people stay from 11 okay. a.m. to 6 p.m. जी. taking photographs, okay. taking selfies, and nobody can guess who is MQ, who okay, is not. Okay. मैं सर, today's incident is very serious. सुदीप जी, मैं and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, okay, 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 ठीक, okay. सुदीप जी, okay, एक मिनट, okay, मैं प्लीज, मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूँ, और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी एक घंटे दो घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूँ, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा, ठीक, हाँ हाँ मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझावों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से ही दर्शन दीघा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए, ये सब हम सबकी चिंता का विषय है, और इसीलिए मैंने आपका विषय में नहीं, मैं आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे, एक बार सदन देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद हम सब उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी, सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, प्लीज प्लीज सबको सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके नो 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 स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय, मैं सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। सर, विद योर परमिशन आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2011 to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December. तो लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 2 बजे शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जब जो भी घटना की जांच होगी, जब अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी तो सबसे साझा की जाएगी, और ओम बिरला ने जो बातें कही हैं वो आपको बता रहे हैं कि साधारण धुआं था, धुएं में कोई भी खतरनाक चीज नहीं मिली है, ऐसे में सांसदों को घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की बात नहीं है, और घटना की प्रारंभिक जांच कर ली गई है, दोनों लोग जिन्होंने अंदर मौजूद थे, जो कूदे थे, उनको हिरासत में लिया गया है, इसके अलावा जो बाहर 2 लोग थे उनको भी पकड़ लिया गया है, और जो तमाम सांसद है, जो उनकी चिंताएं हैं अंदर सुरक्षा को लेकर के, उनके साथ ओम बिरला सदन की कार्यवाही पूरी